तो हम लोग दोस्तों यहाँ जरी आए हुए दुर्गा पंडाल पे। दोस्तों अंदर चल के देखते हैं यहाँ का किस तरह का नजारा है। तो मैं अपने पर माता के दर्शन कराऊंगा, साथ यहाँ का जो रावण दहन है उसके पे भाग रहे हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ है कि आज दशहरा है, तो हम अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का किस तरह का माहौल है। आज दोस्तों आज रावण दहन है, हम वो भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों अंदर की ओर चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा रावण शायद बीच में। तो बाहर आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ चौपाटी पे, तो अंदर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा। दोस्तों अभी जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ हमारे जरी ऊर्जा नगर का है। दोस्तों अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर, बहुत भीड़ है। यहाँ पर रावण जलाने की तैयारी की जा रही है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक बार आपको रावण दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग मंदिर की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आज की जैसे दशहरा है वो सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों ये रावण है, अभी कुछ ही देर में दोस्तों रावण दहन होने वाला है, तो मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं सामने से आप कुछ इस तरह का यहाँ का रावण बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया रावण दहन करने का, तो आप भीड़ देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बम फोड़ा जा रहा है। तो हे गाइस सभी हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं, अभी रावण दहन नहीं हो रहा है, जैसे ही रावण दहन होगा दोस्तों तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें, चलते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों मंदिर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज नवरात्र का दशमी का दिन है, तो मैं आपको माता रानी का दर्शन कराता हूँ। दोस्तों आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह का भीड़ यहाँ पर। तो हे गाइस मैं आपको भी अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, काफी भीड़ है। अंदर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही दीपक जल रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों माता रानी है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज विजयदशमी है। तो माता रानी बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। हे गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भीड़ है, आज विजयदशमी है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि नवरात्रि का दसवां दिन है, तो बहुत सारे भक्तों के यहाँ पर भीड़ है। तो कुछ इस तरह का भीड़ यहाँ पर। तो उससे आरती है, तभी हमने माता रानी का दर्शन कर लिया, अब हम बाहर की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं फिर से रावण। तो है गाइस अभी मुझे मेरे भाई मिले, देख सकते हैं यहाँ पर ये रावण दहन देख रहे हैं। तो दोस्तों आज विजयदशमी है। तो दोस्तों रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो हम चलते हैं रावण दहन की तरफ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ का। बहुत ही भीड़ है, श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है कृपया उसका पालन करेंगे। अगर अच्छा रहा तो इससे भी अच्छा कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम जो होता है सभी का मन। स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे। तो हे गाइस सभी जब रावण देख रहे हैं सामने, वहाँ पर कमेंट्री की जा रही है कि वहाँ पर एक लड़का है जो एक माता है उनके बगल पे खड़ा है, उसने ये रावण को बनाया है, आप देख सकते हैं।
तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है दोस्तों कि जो रावण उसके द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण जलाने की तैयारी की जा रही है। तो है दोस्तों यहाँ पर रावण दहन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जय श्री राम। धर्म की जीत होते हुए और असत्य में सत्य की जीत। तो दोस्तों यहाँ पर रावण ठीक से नहीं जल पाया। तो दोस्तों आग लग गया है। दोस्तों यहाँ पर बुराई पे अच्छाई की जीत होते हुए जय जय श्री राम। भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही गजब का भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर रावण दहन हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कोविड की वजह से कुछ सालों तक यहां पर रावण दहन नहीं हो पा रहा था, दुर्गा पूजा ठीक से नहीं मनाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज किस तरह से यहां पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अधर्म पे धर्म की जीत और बुराई पे अच्छाई की जीत दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर रावण दहन का किया गया है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ और चौपाटी की तरफ लेकर चलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर रावण दहन हो चुका है, चलते हैं चौपाटी की तरफ, कुछ खा लेते हैं। भीड़ भी बहुत है यहाँ पर, चलते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं दीपक भैया के ठेले में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डोसा के लिए बहुत मारामारी चल रहा है, हालांकि पैसा देके खाने वाले हैं सर। उसके बाद भी दीपक भैया इधर स्माइल दीजिए तो, अरे यूट्यूब पे डालेगा वीडियो आपका, रातों रात वायरल करने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों जो दीपक भाई का चाट है ना, वो चाट नहीं यार। तो दोस्तों आप देख पा रहे जो डोसा है ना दीपक भाई का, बड़ा कमाल का है। एक बार आप खा लेंगे ना तो आप कहीं का डोसा खाना पसंद करेंगे। तो दीपक भैया स्पीड
दोस्तों आगे चलते हैं, फिर मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो संतोष भैया के पास आए हैं कुछ खाने के लिए, टोकन कट रहा है हमारा, तो चलते हैं दोस्तों, मूंग चीला खाते हैं फिर। जो खाने का सिस्टम है संतोष केटर, देख सकते हैं आप, तो टोकन सिस्टम से यहाँ दिया जा रहा है। लो भैया, किसको देना है? ओ भैया को, कौन ये वाले हो भैया? ये लो टोकन। हेलो भैया, तीन लोग का ना चीला, तीन ठो, ये क्या है, एक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मूंग चीला बन रहा है, ये 30 रुपया प्लेट है। ये संतोष भैया का कैटरिंग है। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट की ओर। तो दोस्तों यहाँ मार्केट लगा हुआ है, बहुत ही भीड़ है, लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों से लेके बूढ़े तक लिए पूरे सामान मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोग अपना मनचाहा चीज़ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के गुब्बारे बिक रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो है गाइस, अभी आपने यहाँ जरी दुर्गा पंडाल का नज़ारा देखा कि किस तरह का नज़ारा है। दोस्तों साथ में ने भी अब देखा है कि यहाँ पर जो रावण दहन हुआ वो किस तरह से हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें।